आपण तिला पैसा लावून इंटरव्ह्यू जमा करावतो. हाय ले साहेब रे काय माहिती वा तुला. हाय ले म्हणवा तू दे. ए म्हणे रे पैसे दे. सर रुपये म्हणे तू दे. काथी के पैसा रे. ए एंट्री फीस ना दे भाई. हमारा लगे एक रुपया नहीं खे. हमने के दे देनी 600 रुपये दही तू हो. तो तुम्हें पापा पकौड़ी बेचल हो. हमारे पापा थोड़ी पकौड़ी बेचल. ए तो तुहर पापा ना कमा लो. हमारे पापा बाहर रहल हो. ए तो बाहर रहल तो ना कमा लो. ई नहीं जानत कमा लो कि ना कमा लो लेकिन बाहर रहल हो. हमारे लगे पैसा ना हो भाई. अरे ना तो भाई पैसा तो कहाँ से होते घट होते देख तो हम 500 देनी है. तो तू कप्तान भरे तो 500 ना देबे. हमारे पैसा नहीं खे ना देबे. कोनो बात भेलै. रह दे ई ना दे तू पैसा. चल साला तू तो जिंदगी भर भिखारी रह. बंटी का हो बोल. साला तू बड़ा सुंदर लागत रे. थैंक यू शुक्रिया. एक बात कही खिसे बे ना. ना हम कहले खिसे बोल ना. अगर तू लड़की रहते तो हमसे पटते कि ना. री साला री खिसियात कहला बारे पूछनिया हुआ पढ़ते कि ना पढ़ते बताओ. ना रे साला अगर लड़की रहती न तो तोरा नहीं और 5-7 गो रख ले रहती. ओ एकरा मतलब तू रंडी रहते ना. रे साला तोरा के हम कथी करनी हो कि मरले रे. साले तू हमरा के एमे के या उमे के बुझा दे रहा. अथी बारे रे साला तू अथी मारे रे. एकरी महत्तारी के पेट्रोल बा महंगा. गंदा गंदा बात करता. कते गंदा बात कहल तू जाके पूछो ओकरा से. ए मनिया कते गंदा गंदा बात कहल रे. ए कथी बोलनी है साला से पूछ. हम बोलनी है कि अगर तू बंटी इतना सुंदर बाड़े अगर लड़की रहते तो हमारा से पढ़ते कि ना. तो साला कथी कहता कि तोरा से कहती हम साला हमारा लगे 5-7 को भतार रही. साला 5-7 गो यार रखई तो साला उ छियतरी ना रही. आज साले के फाड़ दे. आज मैच मैच में रह जाई. आज वोट ए रुक साला. कोनो साला कोनो के कुछो ना बोली. बैठ ला सा. हट काय दे रे. हम दाई किन के देले हम. ए साला चल जल्दी से. मैं सुनो वाला ये साला अपने में कट के मरबे करे साला. चल चल साला. और यहाँ पे हमारे साहेबगंज के टीम पहुंच चुके हैं तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और वो देखिए चकिया की भी टीम पहुंच चुके हैं. देखिए कैसे खेते खेते एकदम दौड़ते. वाह रे वाह क्या बात है. आ जाइए आ जाइए आ जाइए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. और यहाँ पे मनी महराज जी सबसे आगे और बहुत ही आक्रामक मूड में लग रहे हैं. वाह वाह क्या बात है. तो चलिए दोनों टीमों से अनुरोध है कि अपने अपने कैप्टन को बीच में भेजे क्योंकि टॉस की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेंगे हम लोग. तो चलिए मनी महराज जी. कप्तान हम नहीं है. हाई है कप्तान लेकिन मुँह कप्तान बन जालीस. जो टॉस कर. तो हमारे पास यहाँ दोनों टीम के कैप्टन और साथ में उनके खिलाड़ी भी पहुँच चुके हैं. तो चलिए टॉस की प्रक्रिया को शुरू करते हैं. तो सिक्का. सिक्का तो ना बा जी. सिक्का और सिक्का नहीं है. तो इनके पास ना हो सिक्का. वो तो रोका एक उपाय बा. और चप्पल से हो जाए. जी बहुत बढ़िया डिसीजन आपका. तो चलिए इसको फेंकते हैं उल्टा की सीधा. सीधा चलिए. और यहाँ पे चप्पल उल्टा होता हुआ. तो यहाँ पे साहेबगंज ने टॉस जीत लिया है. तो आप क्या कीजिएगा. बॉलिंग फर्स्ट. बॉलिंग करेंगे. तो चलिए चलिए टीम सजाइए टीम सजाइए. चलिए बहुत ही खुशी का माहौल. और यहाँ पे तू जो अरे मनिया तू जो दोनों गोरा और के खेलिए ठीक से समझ ले. साहब सुन 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 एगो हाजीपुर के खिलाड़ी अल बा बहुत खतरनाक खेलेला छक्का चौका मारेला बहुत ही कुकरा के अपना टीम में रख ले. जल्दी जल्दी अपना अपना फील्ड सजाइए. लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे. देखो तो अरे कितना मूड झूठ बा. साला बड़का बड़का छक्का मारल हो कबो कबो मार के बोले भुला दे बोलो. ए तो ओकरा के रखला तो कोनो के हटावे के न होई. हट जाई जीते से न मतलब हमनी के. केकरा के हटाई. ए मनिया तू बैठ जा. बैठ जाई. हां काहे रे. ए बाहर के खिलाड़ी है बढ़िया खेलल है. तो हम काहे बैठिए के बैठा. काहे ना बैठबे. तू पैसे दे ले का. तो तू पैसा दे ले तो साला तू खेलबे. तो खेलम ना. साला हम टीम में रहले हमेशा हम खेलम. ना खेलबे तू. तू जाना तारे बेसी बोलबे. ठीक बा हम ना बोलम. कप्तान जो बोलते सो मानबे ना तू. कप्तान झाट के कप्तान बा हम. हट साला तू ना खेलबे. भाग गया साला ना खेला. साले कप्तान का झाट बनत. ए जा दे साला के उहे बड़का रहे. चल. तो मैच स्टार्ट होने में बस कुछ ही लम्हा बाकी है और बस कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा. आप लोग दिल थाम के बैठिए. का बेलो का खड़ा हो गया.
ए हटा दिलक सरो के बेटा से काहे निकाल दिलक हो ए दोगला बा साला पैसा ना देनी है एंट्री फीस नु साला निकाल दे देख के जोरा ले तोरा के देख के काला जोरा ले हम पढ़ा लिखल बहुत बनी नोइस पढ़ा लिखल बार का कहला हो भाई पोंटा श्रीक नहीं है पोंटा जो बोल दिए साला कप्तान हुआ के साला काग लेकिन माथा पर हमारा टाई टाई करो तनु भाई वो टी-शर्ट हो बा दाना कैसन को दाना ला तो शॉर्ट हो टी-शर्ट में दा हाउ टी-शर्ट हो दा हाई ला भाई हाई ला पढ़ा लिखल तो पढ़ ले बड़ा हां इंपायरिंग कर लेबो अरे बनिया से गण फर के आवे सब के जा जा हम बानी कोनो कुछ बोली त हम समझ लेम जा अरे कति कर एले अरे लौकत ना आवे साला इंपायरिंग करे निया चलो ने जा जो ने जाओ रे चल भाई बोलो करा और अपने ओवर की पहली गेंद लेके रियाज चल चुके हैं तो रियाज जी का पहला गेंद और यहां पे रियाज जी ने बॉल फेंका और यहां पे वाइड तो एंपायर का डिसीजन अभी तक नहीं आया है वाइड है दही तो वाइड नहीं है अरे साला एंपायर से तू ज्यादा जानता है रे बॉल कराइए और यहाँ पे लेके चलेंगे अपने ओवर की दूसरी गेंद और ये दूसरी गेंद और यहाँ पे आउट की बहुत ही जोरदार अपील लगता नहीं है कि आउट है और एम्पायर का डिसीजन आउट अरे साला ये आउट है जी और दूसरी ही गेंद पर हाजीपुर के खिलाड़ी चाट के उजर हो गए तो चलिए चाटते हुए रे साला रे आउट है बैट में ठेक में ना करिए तू आउट दे दे ले साले चुपचाप खड़ा रहा ना तो साले खरे खरे आउट दे दे लाल चाट के कड़िया हो जाएगा हमारे एम्पायर पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य डिसीजन माना जाएगा भाग साला गाल खिलाओ तो और पिच पे आ चुके हैं मुन्ना जी तो मुन्ना जी को फिटला के नाम से भी जाना जाता है और पेट दिखा दिखा के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बैटिंग के लिए तैयार और रियाज जी अपनी पहली बॉल लेके चले और रियाज जी ने बॉल डाली और ये मैं क्या देख रहा हूँ उठा दिया इन्होंने और ये 6 रन छक्का दही और अगली बॉल लेके चल चुके हैं कोयला महाराज और इस गेंद पे मुन्ना ने जड़ दिया है छक्का फिर से चौका और छक्का शाबाश मुन्ना ओ भाई काथी बॉल कले बरमन खाली छक्का चौका तो मारा था ओकरा बाजा पर मारा ओका बड़का बाजा है बाजा पर मारा बाजा फरस साले और यहां पे साहिबगंज के कैप्टन अपनी पहली बॉल डालेंगे और मुन्ना ने मार दिया है और रन लेने की कोशिश और यहां पे और ये आउट पैसे आउट बनी रे बॉल उठा के दे देले तो हमरे चुतिया बुझत रे ए दादा बोलबे साला एंपायर से बतियागा ए फौजी रे साला बॉल उठा के दे देले हम देखनी है ना आ तू कहत रे आउट है अगर एंपायर के सामने अगर बॉल आओ तो सीधा एंपायर उठा के फील्डर के दे सकेगा समझ ले नियम लग ले ना जाके पूछ ले जाके वो कमेंटेटर से ए हम आउट ना बनी कह दी आउट नहीं किया हम ना दे आउट ए तू साला आउट ना होबे साला आउट बड़े आउट देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं अगर एंपायर से आप लोग धक्का मुक्की कीजिएगा तो 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा और समोसा लिट्टी कुछ नहीं मिलेगा नाश्ता में आप लोगों को समझे निकलिए बाहर चल ले साला कितना गाल खेली सर जीती थोड़ी है सर और अगली बॉल के लिए तैयार और इन्होंने बॉल को डाला और यहाँ का जोरदार अपील अपील तो बहुत ही जोरदार है लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना भी बाकी है और एम्पायर अपने जाते हुए वहां पे और जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है और एम्पायर यहाँ पे निर्णय लेंगे और यहाँ पे आउट का डिसीजन आ चुका है एम्पायर की तरफ से वाह कारे आउट बनी हम जो 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 आउट बने जो अच्छा ठीक बा चल तोरा के घरे देखत नहीं जो रे साला काख में दांत को मुआ देबो जो और यहाँ पे न्यू बैट्समैन आए हैं मुख्तार आ रहे हैं तो मुख्तार आने के लिए पहली गेंद और पहली गेंद को इन्होंने उठा दिया है और एक कैच आउट एम्पायर के पकड़ला से कैच आउट हो गए प्लेयर तो सारो के कौन कॉल है एम्पायर लगे मारेला जो आदमी खा रहा है पकड़बे करते आउट है और अगली गेंद लेके चल चुके हैं कोयला महाराज और कोयला महाराज ने पेटू बाबू के लिए फेंका और पेटू बाबू आउट और हमारे नए बैट्समैन आए हैं करण गुप्ता के लिए पहली गेंद को इन्होंने उठा दिया है और चांद ने किया खैचा में आउट और ये कैसे फिर से खैचा में लोग लिया ये कैसे तो चमत्कार हो गया यहाँ पे हमारे एम्पायर कुछ और भी दिखाना चाहते हैं और है क्या डबल आउट ये डबल आउट किस लिए दे रहे हैं समझ में नहीं आया मुझे डबल आउट कैसे रे
एगो कैच आउट भेलौ हां आ विकेट बिगर तोर बाप मर लइय तो साला एने गाड़ी तू बारे त तू आउट न होबे त कोन होतै हम आउट होई चल आउट होले चल निकल क्रिकेट खेला और यहां पे अगली गेंद लेके रियाज जी चल चुके हैं। रियाज जी ने बॉल को डाला और सैफुल ने सीधे बॉल को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। और फिर से अगली गेंद रियाज की और इस पे बोल्ड और यहां पे चकिया की टीम ने बनाए हैं 76 रन और 76 रन पे 10 विकेट तो चकिया की टीम ऑल आउट हो चुकी है। और साहेबगंज को जीतने के लिए चाहिए 77 रन। तो हमारे ओपनर निकल चुके हैं काजू जी और गुड्डू जी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है साहेबगंज का। पहली बॉल लेके चल चुके हैं सैफ और सैफ ने बॉल डाला और बोल्ड कैप्टन बोल्ड अरे आउट ना दिले और सैफ दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार और दूसरी गेंद डाला और ये भी बोल्ड। और यहाँ पे सैफ अपनी अगली बॉल डालेंगे और इस बॉल पे इन्होंने जड़ दिया है छक्का तो 6 रन और एम्पायर का डिसीजन भी 6 रनों का। और सैफ की अगली गेंद और यहाँ से जोरदार प्रहार बंटी ने दोनों हाथों से मुठियाया गेंद को और यहाँ आउट। लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना अभी भी बाकी और एम्पायर ने डिसीजन बहुत बढ़िया तरीके से दिया। और ये मार दिया है रियाज ने उठा के और ये बहुत ही लंबा विरोधी के गार के बीचों बीच पूरा फाड़ते हुए 6 रन। तो ये 6 रन है। एम्पायर इतना उछल क्यों रहे हैं कूद क्यों रहे हैं? अरे ये तो डबल छक्का है वाह 12 रन ऐड कर लीजिए 12 रन। ए पति के डबल छक्का दे लिए तू रे लौकलाओ ना बॉल कितना दूर गिर लिया ए साला कोनो मैच में डबल छक्का होका ले दे तू नखे जाना ना हमारा फुआ के ने इतना बड़का बड़का छक्का मारा लेनु तो को डबल छक्का दिया ले जाके पता कर ले। हां तो अपना फुआ करे जाके एम्पायरिंग कर ए तहा ना चलतौ तू करबे काथि रे डबल छक्का देनी है काथि करबे मरबे का एम्पायर के तू मार देबे रे साला तू बारे कथि रे एसपी बारे कि साला हमनी के ड्राइव साला एम्पायर बा एम्पायर जैसा रह रे साला गाल खेले के हद होकल कोनो देश में चाहे कोनो टीम में साला डबल छक्का ना होकल नो बॉल होकल है। हां छक्का कैसे हो जाले बिना बॉल के तो नो बॉल रहल है कितना बार का मरलई है डबल छक्का दिए तई बॉल काथि करके चाहत रे तोनी का ए ना दिए तई छक्का ए ज्यादा बॉल मत समझ ले ना तो तीन गो छक्का दे देबो एक के बार में एम्पायर ना रहबे नो बॉल ग्रेट। और ये मैं क्या देख रहा हूँ एम्पायर का डिसीजन नो बॉल का और फ्री हिट वाह क्या बात है और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान डिसीजन माना जाएगा। और इस बॉल को फिर से डालिए बॉल का आएगा और कोची के फ्री हिट है कोची के फ्री हिट है कोची के फ्री हिट है रे साला के नाती अरे बाप अब मर दे बड़े साला के मार माथा पर मरी है माथा पर ईश्वर की अब गई याद आशा बता घरे जाइब साले अरे बे तोरा साथे ने जाए और सबको मानना पड़ेगा तो चकिया यहाँ से गाड़ फुला के जाते हुए और साहेबगंज यहाँ पे बहुत ही अच्छे रनों से जीत चुकी है बहुत साहेबगंज ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है और चकिया का टीम निराश हो गए यहाँ से जाते हुए बड़ी सम्मान दे के गई है चकिया की टीम धन्यवाद। सर्वा केने से बोला था ओ कमेंटेटर भाई आज के दिन बहुत अच्छा गेंदबाजी बहुत अच्छा बल्लेबाजी हुआ। अफसोस इस बात का है कि चकिया की टीम हार गई और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान डिसीजन माना जाएगा। ओ भाई ओ
आइलैंड कप का होई वर्ल्ड कप बस रहो तनी निमन से बोलो रख ल चकिया के हराए में तोर ज्यादा योगदान बा रख ल आज के मैन ऑफ द मैच मणि महाराज जी को मिलेगा तो मणि जी आप है मैन ऑफ द मैच कुछ कहिए ओकरा नानी के बेटी के बेटा के मतारी के पतो के बहिन से ब्याह करा वाह मणि जी वाह मैन ऑफ द सीरीज भी ले जाइए और दो शब्द बोले थे आप चार शब्द बोले उसमें एक शब्द और जोड़िए और भाई के कोनो और बहिन होके तो मेरा सेटिंग कराइए।